ठंडी हो या गर्मी, ये रेसिपी परफेक्ट है क्योंकि इसमें आपको किचन में ज़्यादा देर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम बना रहे हैं वेज पुलाव की रेसिपी, ऐसी रेसिपी जिसमें कि आपको सब्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसे बस अचार के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर रायते के साथ सर्व करें, रायते के साथ ये बहुत ही अच्छी लगती है। इसे आप लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जस्ट अनदर फूडी गर्ल। तो चलिए फटाफट से 7 से 8 मिनट में बना के रेडी करते हैं ये रेसिपी। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले प्रेशर कुकर ले लेना है क्योंकि हम कुकर में ये बनाएंगे तभी तो जल्दी बनेगी ना। उसके बाद हमें यहाँ पे लेना है घी। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 बड़े चम्मच घी। अगर आपको घी नहीं पसंद तो आप इसे ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन आपको तो पता ही है कि घी में ज्यादा टेस्ट अच्छा आता है, लेकिन अगर नहीं खाते तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे मैंने ले लिए कुछ खड़े मसाले जिसमें की है 1 बड़ी इलायची, 7 से 8 काली मिर्च, 2 लवंग है, जावित है और एकदम छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का है। अब यहाँ पे आपको जो भी पसंद है ना खड़े मसाले, आप वो डाल सकते हैं। आपके घर में जो भी अवेलेबल खड़े मसाले ना वहीं डालें। जैसे मेरे पास स्टार नहीं है तो मैं नहीं डाल रही हूँ, अगर रहता तो वो भी डाल देते। इसी के साथ हम यहाँ पे डाल देंगे 2 तेज पत्ता, 1 छोटी चम्मच जीरा, 2 हरी मिर्च और हाँ अभी फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखना है। 2 सूखी लाल मिर्च को भी यहाँ पे तोड़ के डाल देंगे। सभी चीजों को यहाँ पे कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई कर लेंगे, 5 से 10 सेकंड्स काफी होंगे। अब यहाँ पे मैंने ले लिया 2 मीडियम साइज का प्याज जिसे मैंने लंबा लंबा स्लाइस में कट कर लिया है। अभी हम वो यहाँ पे डाल देंगे और अभी हमें फ्लेम को मीडियम कर देना और मीडियम फ्लेम पे इसे हमें बस 2 मिनट के लिए भून लेना है, ये हल्का ट्रांसलूसेंट हो जाएगा। प्याज को भूनते हुए यहाँ पे हमें 2 मिनट हो चुके हैं। तो अब यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 मीडियम साइज का आलू जिसे मैंने ऐसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया, वो यहाँ पे डाल देंगे और सभी चीजों को यहाँ पे हमें अच्छे से भून लेना है। तो अभी हमें आलू को भी भूनना है, फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। एक बार आलू को प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम इसे यहाँ पे कवर करके 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। आलू को भी यहाँ पे कुक करते हुए हमें 2 मिनट हो चुके हैं। मैंने इसे बस बीच में एक बार चलाया था। अभी हमें क्या करना है कि वापस से सभी चीजों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे हमने ले लिया है 1/2 कप गोभी। तो इस गोभी को अभी हमें यहाँ पे डाल देना है। गोभी के साइज को मीडियम रखना है, ज्यादा छोटा ना करें नहीं तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें गोभी भी डली है। इसी के साथ यहाँ पे मैंने ले लिया है 1/3 कप गाजर, इसे भी हमने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था। यहाँ पे हमें सभी चीजों को मिक्स करते हुए 1 मिनट के लिए भून लेना है। 1 मिनट बाद हम यहाँ पे डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। यहाँ पे हम बस सब्जियों के लिए ही नमक डाल रहे हैं। इसके साथ हम यहाँ पे डाल देंगे 1/2 छोटी चम्मच हल्दी का पाउडर। यहाँ पे और कोई भी मसाला नहीं डालना है। अगर आप चाहो तो हल्दी भी नहीं डालो, अगर आपको व्हाइट पुलाव चाहिए तो। हल्दी डालने से क्या होता है ना कि हल्का लाइट येलो कलर आ जाता है, उससे वो दिखने में और भी अच्छा लगता है। सभी चीजों को हमें यहाँ पे मिक्स कर लेना है, उसके बाद हमें इसे कवर करके 2 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लेना है। चलिए यहाँ पे हमारे 2 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि कुकर का ढक्कन हटाएंगे, सभी चीजों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम यहाँ पे डाल देंगे 1/4 कप फ्रोजन मटर। तो यहाँ पे मैं फ्रोजन मटर का यूज कर रही हूँ इसीलिए अभी डाल रही हूँ। अगर आप इसे ठंडी में बना रहे हो और नॉर्मल जो मार्केट में फ्रेश फ्रेश मटर मिलता है ना वो यूज कर रहे हो, तो जब हमने गोभी और गाजर डाला ना उसी वक्त हमें मटर भी डाल देना है। सभी चीजों को यहाँ पे एक बार हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे मैंने ले लिया है बासमती राइस, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो या फिर अगर आपको नॉर्मल चावल पुलाव में तो आप वो भी ले सकते हो। तो यहाँ पे 1 ग्लास चावल है, उसके साथ 1/4 कप चावल है। चावल को मैंने यहाँ पे बस धुल के लिया है, आपको इसको सोक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसके बाद हमें ना फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और लो फ्लेम पे इसे 2 मिनट के लिए अच्छे से सब्जियों के साथ भून लेना है। चावल को भूनते हुए यहाँ पे मुझे 2 मिनट हो चुके हैं। तो अब यहाँ पे मैंने लिया है पानी। तो 1 ग्लास चावल लिया था तो उसके लिए 2 ग्लास पानी लिया है और 1/4 कप चावल लिया था और तो उसके लिए 1/2 कप पानी लिया है। तो यहाँ पे आप जितना भी चावल ले रहे ना उसके डबल क्वांटिटी में पानी लेना है। मैं हमेशा जो पानी है ना वो डबल क्वांटिटी में ही लेती हूँ और हमारे चावल बिल्कुल खिले खिले बनेंगे। सभी चीजों को यहाँ पे हमें एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने ले लिए थोड़े से फ्राइड काजू और थोड़ी सी फ्राइड किशमिश। मैं यहाँ पे काजू और किशमिश को फ्राई कर लिया था। अब यहाँ पे डाल देंगे हम नमक। तो पहले हमने सब्जी के हिसाब से नमक डाला था, अब हम चावल के हिसाब से नमक डालेंगे और सभी चीजों को एक बार बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे कुकर का ढक्कन लगा देना है प्रेशर के साथ और अभी हमें क्या करना है कि फ्लेम को मीडियम करना है और मीडियम फ्लेम पे ना हमें यहाँ पे 3 सीटी आने देना है। उसके बाद जब 3 सीटी आ जाएगी तो फ्लेम को हमें हाई कर देना है और 1 सीटी और आने देना है। उसके बाद हमें गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है और प्रेशर निकलने तक का वेट करना है। यहाँ पे हमारा प्रेशर बिल्कुल अच्छे से निकल चुका है। तो अब हम ढक्कन हटाते हैं और आप ये देखो यहाँ पे हमारा वेज पुलाव बनके रेडी है। अभी हम इसे यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप देख सकते हो कि हमारे जो चावल है ना वो बिल्कुल आपस में नहीं चिपके हैं, एकदम खिले खिले बन के रेडी हुए हैं। तो चलिए अब हम इसे एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। आई होप कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो, आप एक बार ट्राई जरूर करना, आपको बहुत ही पसंद आएगी। मेरे घर में तो सबको बहुत ही पसंद आई थी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दे, मुझे कमेंट सेक्शन
में बताएं कि आपको कैसी लगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई न्यू रेसिपी डालूं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाए। आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलेंगे फिर किसी तरह की इजी न्यू और मजेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।